Morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. And children, I welcome you all back to the school after your Diwali break. Okay, so children, I know you are right now in a vacation mood still, but now it's time to study also. So today we are going to start our new chapter. Do you know what is the name of the chapter? Can you read something on the board? Yes, the name of the chapter is Time. Yes, today we are going to start our chapter number 6 named Time. Now children, do you know what is time? Time ka matlab kya hai? Aapko kuch pata hai? Koi idea hai? Yes, time matlab jo aap time bolte ho, time dekhte ho, wahi, right? So, children, आज हम लोग वही चीज पढ़ेंगे। आपको पता है घर पे कई बार मम्मी आपको बोलती है जल्दी उठ जाओ, सुबह को स्कूल जाने का टाइम हो गया है, जल्दी करो ब्रेकफास्ट खाने का टाइम हो गया है। कभी कभी मम्मी तो झूठ बोलती है कि जल्दी उठ जाओ सुबह के 6 बज गए। अभी 6 बजे भी नहीं होते, बट तो भी मम्मी बोलती है कि सुबह के 6 बजे हो गए, जल्दी उठो स्कूल के लिए देरी हो रही है, राइट? तो कभी कभी आपको भी लगता है ना कि 6 कैसे बजते होंगे, हाउ, कैसे मम्मी को टाइम दिखता है, राइट? या कभी कभी मम्मी बोलती है इट इज 1 o'clock, चलो नो कार्टून्स, अभी आपका टीवी देखने का टाइम ओवर, अभी आपका लंच टाइम है। तो आप लोग सोचते होंगे ना कि 1 o'clock कैसे बजते होंगे, कैसे मम्मी को पता चलता है कि अभी 1 o'clock हुआ, राइट? तो वही चीज आज मैं आपको भी सिखाने वाली हूँ। यू आर गोइंग टू लर्न द सेम थिंग टूडे कि टाइम आप कैसे देख सकते हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेलिंग द टाइम। तो आज हम लोग क्या कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? टेलिंग द टाइम, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जनरल आइडिया बता देती हूँ कि टाइम हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि यू नो व्हाट एवर वी डू, हम लोग जो भी कुछ करते हैं इट हैज अ फिक्स टाइम। लाइक वी वेक अप इन द मॉर्निंग एट अ फिक्स टाइम, राइट? जब भी आपकी स्कूल्स होती है, मोस्टली ऐसे नहीं कि आप रोज एक ही टाइम पे उठते हो, संडेज को आप सोते हो, आई नो दैट, बट व्हेन इट इज स्कूल तो आपको पता होता है इट इज अ फिक्स्ड टाइम। जैसे आपकी एडवाइजरी है तो आपको पता है यही टाइम पे एडवाइजरी है, उसी टाइम पे आपको रहना है, राइट? वैसे ही जब स्कूल जाते हो तो आपका एक फिक्स टाइम होता है कि सुबह को इस टाइम पे उठना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर वैन या बस आती है आपको लेने, उसका एक फिक्स टाइम होता है, यू कम टू स्कूल एट अ फिक्स टाइम, राइट? यू टेक योर ब्रेकफास्ट एट अ फिक्स टाइम, स्कूल में पीरियड्स एक फिक्स टाइम पर होते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें टाइम के साथ अटैच्ड होती है, क्योंकि अगर टाइम के साथ हम लोग चलेंगे नहीं देन वी विल वेस्ट अवर टाइम, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हर चीज एक टाइम पे करनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सुबह को उठते हो, एक टाइम वो होता है, फिर आप क्या करते हो, आप नहाने जाते हो, यू टेक अ बाथ, एक फिक्स टाइम होता है, राइट? क्या एक बाथ लेने का टाइम हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, यू वेयर योर क्लोथ्स, राइट? देन यू कम टू स्कूल, देन यू स्टडी इन स्कूल, फिर स्कूल में रिसेस ब्रेक पड़ता है तो उसका एक फिक्स टाइम होता है, देन यू गो बैक टू होम एट अ फिक्स टाइम, लंच घर पे एक फिक्स टाइम पे करते हो, उसके बाद टीवी देखते हो तो उसका भी मम्मी टाइमिंग सेट करती है, राइट? देन यू स्लीप एट अ टाइम, you wake up at fixed time, you go to play at a fixed time, right? You take your dinner at a fixed time and at last you go to sleep at a fixed time, right? आपका पूरे दिन का रूटीन आपका टाइम के हिसाब से चलता है, राइट? अगर टाइम के हिसाब से नहीं चलेगा तो क्या होगा, एवरीथिंग विल बी मेस्ड अप, सब मिक्स हो जाएगा। अगर आप सुबह के 6 बजे के बदले 10 बजे उठोगे तो क्या होगा, पूरा डे खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम टेबल पूरा चेंज हो गया, रूटीन पूरा चेंज हो गया, राइट? तो टाइम हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमें हर चीज एक फिक्स टाइम पे करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज ये हमारा एक रूटीन डेवलप हो जाता है, राइट? सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम। और टाइम इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए आपको एक क्लॉक तो देखनी पड़ेगी ना, राइट? टाइम आप कैसे देखोगे, आपके पास एक क्लॉक होगी, उसमें आप देख सकोगे, राइट? तो टाइम देखने के लिए एक क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? अब क्लॉक क्या होता है, क्लॉक एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर टू हैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? टू हैंड्स।
राइट। और वो टू हैंड्स को, एक होता है छोटा वाला उसको बोलते हैं आवर हैंड, और एक होता है बड़ा वाला उसको बोलते हैं मिनट हैंड। द शॉर्ट हैंड इज नोन एज आवर हैंड, द लॉन्ग हैंड इज नोन एज मिनट हैंड। ओके, दो हैंड्स होते हैं, ठीक है, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, जस्ट बी ऑब्जर्व इट। ओके, वन इज शॉर्ट हैंड, स्पेलिंग आप देखो उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट हैंड को, यस, मैंने क्या बोला आवर हैंड, वेरी गुड, जिसको याद रहा वेरी गुड। और दूसरा कौन सा बोला मिनट हैंड, उसको क्या बोलते हैं लॉन्ग हैंड, एल ओ एन जी, आपने शॉर्ट और लॉन्ग तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड। जनरली ये दो हैंड्स आप लोग देखते हो, और एक थर्ड हैंड होता है जिसको सेकेंड हैंड बोलते हैं, बट वो आपको आगे के क्लासेस में सीखने मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको कौन से दो हैंड सीखने हैं, एक शॉर्ट हैंड और एक लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड को क्या बोलते हैं आवर हैंड, और लॉन्ग हैंड को क्या बोलते हैं मिनट हैंड, राइट। अब ये दिखाने के लिए मैं आपको एक क्लॉक दिखाती हूँ। ओके, सी क्या आप देख सकते हो, यस, आप सबके घर पे ऐसी क्लॉक्स होगी अलग अलग शेप्स की। ये कौन सा शेप शेप है, दिस इज सर्कल। ओके, और ये क्या है क्लॉक। नाउ आप इस क्लॉक पर देख सकते हो, यू कैन सी देर आर नंबर्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक क्लॉक में कितने नंबर्स हैं, 1 से लेकर 12 तक, और ये हर एक क्लॉक में इतने ही नंबर्स होते हैं, किसी में 13 किसी में 14 नहीं होते। अ क्लॉक हैज 12 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग टू 12, ये एक रूल है क्लॉक का। और टाइम है ना, जो टाइम हम लोग देखते हैं, एक डे में, एक पूरा डे होता है उसमें 24 आवर्स होते हैं, कितने होते हैं 24 आवर्स, उसमें से वो 24 आवर्स 12 आवर्स में डिवाइड होते हैं। ये चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी, ये आपको सेकेंड ग्रेड के लिए है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं सिर्फ बताती हूँ, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और वो 24 आवर्स 12 आवर्स में डिवाइड होते हैं। डिवाइड मतलब आधा 12 आवर का एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा दूसरे 12 आवर का होता है, जिसको AM और PM में डिनोट करते हैं। कैसे बोलते हैं, 12 AM तक और 12 PM तक। ओके, जो आपको सिर्फ जानना है अभी, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले। ओके, दिस वॉज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज अ क्लॉक, इट हैज नंबर्स फ्रॉम 1 टू 12, और ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं 1 टू 12, वो क्या है, वो क्लॉक का फेस है। क्या है, जैसे हमारा मुंह होता है, हमारा फेस होता है, वैसे ये क्लॉक का फेस है। और मैंने बोला था क्लॉक में दो हैंड्स होते हैं, शॉर्ट हैंड कौन सा है इसमें से आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यस, ये जो शॉर्ट हैंड दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे आवर हैंड। और एक दूसरा दिख रहा है जो 12 पर है, वो कौन सा है, ये वाला, दैट इज नोन एज मिनट हैंड। ओके, और ये जो आपको थर्ड दिख रहा है, दिस इज सेकेंड हैंड, पर इसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हमको सिर्फ ये दो देखना है, ठीक है। तो एक शॉर्ट हैंड, एक लॉन्ग हैंड, ये आपको इजीली दिख जाएगा कि इसको शॉर्ट दिख रहा है तो ये शॉर्ट हैंड है, ये लॉन्ग दिख रहा है तो ये लॉन्ग हैंड है, राइट। सो ये मैंने आपको एक बेसिक बताया कि क्लॉक कैसा दिखता है। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि क्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसमें क्या ड्रॉ करना है, कैसे। उसके लिए मैंने एक लिड लिया है, और इससे आप घर पे कैसे करोगे, अपनी बुक में आप कोई भी एक कॉइन लोगे, या फिर आप अगर बैंगल्स है मम्मी की, बड़ी बड़ा आपको ड्रॉ करना है तो मम्मी की बैंगल लेकर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी सर्कल का ऑब्जेक्ट हो उससे आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ करने जा रही हूँ, फॉर विच आई एम यूजिंग दिस लिड, और मैंने यहां से ऐसे करके स्टार्ट किया, एंड आई विल कंप्लीट इट ओवर हियर। आप लोग भी मेरे साथ अपनी बुक में ऐसे ड्रॉ करेंगे, रफ बुक में अभी आप ड्रॉ करेंगे,
ताकि आप लोगों को पता चले कि क्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। अब ये आप सर्कल तो देख रहे हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन से नंबर्स कहाँ लिखने हैं? रिमेम्बर, क्लॉक में ऑर्डर में ही नंबर्स लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं है कि 1 के बाद सीधा 5 फिर 7, नहीं, सब सीक्वेंस में ही आएगा, राइट। सो सबसे पहले जो ये आप टॉप दिख रहे हैं आपको, वहां पे आप लोग 12 लिखोगे, 1 2 12, हमेशा यहां से स्टार्ट करने का, ठीक है। और इसका अपोजिट आप लोगों को तो बताए, अपोजिट मतलब क्या, इसके सामने जो अपोजिट इसका है वहां पे आप लिखोगे 6, क्या लिखोगे 6, यहाँ पे आपने 12 लिखा एंड हियर यू विल राइट 6। अब ये 12 और 6 के बीच में जो ये जगह दिख रही है आपको सेंटर में, वहां पे आप लोग लिखोगे 3, व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट 3। एंड सिमिलरली 3 के एग्जैक्ट अपोजिट आप क्या लिखोगे, 9, क्या लिखोगे 9। मैंने क्या बोला था कि एक क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं, 1 से 12 तक, तो अभी तो हमने सिर्फ 4 नंबर्स ही बोर्ड पर लिखे, तो रेस्ट हम लोग अभी लिखेंगे। बट हमेशा याद रखना 12 हमेशा यहाँ पे सेंटर में आता है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट 6 आता है, इन दोनों के बीच में इधर 3 आता है और इसके एग्जैक्ट अपोजिट 9 आता है। आप यहाँ पे 3 लिखोगे, 9 यहाँ पे लिखोगे, 12 यहाँ पे लिखोगे, 6 यहाँ पे लिखोगे, तो नहीं चलेगा, बिकॉज क्लॉक का एक फॉर्मेट होता है वो वैसे ही चलता है। अब ये 12 और ये 3 जो है, इन दोनों के बीच में 2 नंबर्स आएंगे, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो बोर्ड पर, जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे ही यहाँ पे भी है, हियर इट इज 12, हियर इट इज 6, 12 6, 3 एंड 9, 3 एंड 9 एग्जैक्ट सामने सामने है सब। अब 12 और 3 के बीच में आप कौन से दो नंबर्स देख रहे हो, 1 2, फिर 3 से 6 के बीच में 4 5, 6 से 9 के बीच में 7 8, और 9 से 12 के बीच में 10 11। तो ये एक फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो सेम अभी आप मेरे साथ करोगे। अब 12 और 3 के बीच में इतनी गैप है, तो आपको इक्वल डिस्टेंस पर 1 और 2 लिखना है, ऐसे नहीं चलेगा कि 1 इधर लिख दिया फिर 2 इधर लिख दिया, नहीं, ये नहीं चल सकता, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ फॉर्मेटिंग अ क्लॉक। प्रॉपरली आपको यहाँ 1 लिखना है, आपको देखना है कि डिस्टेंस मेंटेन रहे, और यहाँ पे 2 लिखना है, दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस है, राइट। सिमिलरली 3 और 6 के बीच में 4 और 5 आएगा, सो आई विल राइट हियर 4 एंड 5, फिर 6 और 9 के बीच में 7 एंड 8, ओके, और 9 और 12 के बीच में 10 एंड 11, सी, सो सिंपल। आप ऐसे करोगे तो आपको क्लॉक का फेस ड्रॉ करना आ जाएगा, राइट। और ये आप घर पर कार्डबोर्ड होता है उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पर भी एक छोटी सी आप क्लॉक खुद बना सकते हो, राइट। तो ये तो हमने क्लॉक के ऊपर नंबर्स कैसे लिखना है वो सीखा। नाउ जो मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड जो है, अवर हैंड और मिनट हैंड, उसको हमको इसमें रिप्रेजेंट करना होता है, उसी से पता चलता है कि कितना टाइम हुआ है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जो बीच का जो जगह है, जो ये सेंटर पॉइंट है, वहां पे एक छोटा सा आप एक सर्कल कर दोगे, इतना छोटा सा, नॉट बिग, ठीक है। अब याद रखना, मैं जो आज आपको सिखा रही हूँ वो है अवर, अवर मतलब एक घंटा, राइट, एक घंटा, और एक घंटा मतलब जब शॉर्ट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर शिफ्ट होता है तो 1 आवर कंप्लीट होता है, समझे, अगेन 1 मोर टाइम, शॉर्ट हैंड जिसको हम अवर हैंड भी बोलते हैं, वो एक नंबर से दूसरे नंबर के ऊपर शिफ्ट होता है, सपोज 1 से 2 के ऊपर शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, 1 आवर कंप्लीट होगा, क्या होगा, 1 आवर कंप्लीट होगा। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, 1 आवर
H-O-U-R. Spelling of our is H-O-U-R. और our को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं H-R. ये भी चलता है, ठीक है. 1 hour is equals to 60 minutes. ये हमेशा याद रखना. एक आवर कब कंप्लीट होता है? जब 60 मिनट्स फिनिश होती है. ऑलवेज रिमेम्बर, दिस इज द की साइन. यू कैन सी द की वर्ड. 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. अब मैं आपको बताती हूँ ये मिनट्स और ये सब का चक्कर एग्जैक्टली क्या है. अब एक चीज हमेशा याद रखने की कि जब भी 1 hour, 2 hour, 3 hour या कोई भी आवर्स पर आप जाओ, तब जो ये मिनट हैंड है, लॉन्ग है, वो हमेशा 12 पे होगा. किसके ऊपर होगा? ऑलवेज ऑन 12. तो सबसे पहले मैं मिनट हैंड ड्रॉ कर लू, ठीक है. सो मिनट हैंड आई हैव ड्रॉन ऑन 12. अब मैं ये ब्लू मार्कर से कर रही हूं, यू कैन सी, ठीक है. कैसे ड्रॉ की मैंने? एक स्टैंडिंग लाइन की, एक नीचे से ऐसे एरो निकाला और उसको थोड़ा सा ऐसे कलर किया. ये बड़ा वाला कौन सा है? मिनट, अरे सॉरी, हाँ, मिनट हैंड. और वैसे ही ऐसे जो छोटा होगा वो क्या होगा? आवर हैंड. ओके, तो ये मैंने मिनट हैंड ड्रॉ कर लिया. इसको थोड़ा और लंबा करती हूँ, यहां पे करती हूँ, ठीक है, ताकि ये दिखे कि ये लंबा है. फाइन. अब अगर मैं बोलू कि मुझे 1 hour, H-O-U-R, 1 hour देखना है, ठीक है. इट इज 1 o'clock. मगर ऐसे बोलू इट इज 1 o'clock. 1 o'clock क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ. बट अगर मैं बोलू कि अभी 1 o'clock बजा है, 1 बजा है, ठीक है. जैसे हम लोग मम्मी बोलती है 1 बजा है, खाना खाना है. तो 1 o'clock हो मतलब जो शॉर्ट हैंड है वो आएगा 1 पे. किसके ऊपर आएगा? 1 पे. आप देख सकते हो अभी लॉन्ग हैंड इज ऑन 12 एंड शॉर्ट हैंड इज ऑन 1. ये 1 के ऊपर दिख रहा है, राइट. अब ये जो हुआ इसको बोलते हैं 1 o'clock. क्या बोलते हैं? 1 o'clock. और इसको और तरीके से भी बोल सकते हैं, और यू कैन से 1:00. दोनों तरीके से आप बोल सकते हो. 1 o'clock को आप दो तरीके से बोल सकते हो. कैसे बोलने का? एक तो 1, पहले आप 1 लिखोगे, फिर o'clock. o'clock का मीनिंग क्या हुआ? टाइम. o'clock की स्पेलिंग ओ, पहले ओ लिखोगे, ऊपर आप जो ये करोगे ऐसे ओ के बाद में, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी. ओके, ओ क्लॉक. क्लॉक की स्पेलिंग C-L-O-C-K. क्लॉक मतलब क्या? जो आप ये क्लॉक देख रहे हो उसको क्लॉक बोलते हैं, ठीक है. तो अभी कितने बजे हैं? 1 o'clock, राइट. अब ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगी, पहले मैं ये आपको क्लेरिफाई कर दूं, ठीक है. तो अगर 1 o'clock लिखना है तो आप ऐसे 1 o'clock लिखोगे, राइट. नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे 2 o'clock चाहिए तो मैं क्या करूंगी? तो ये जो 1 पर जो है ये मुझे 2 पर लेके जाना पड़ेगा. और दूसरी चीज, जो मिनट हैंड है वो 12 पर ही रहेगा. किसके ऊपर? 12 पर ही रहेगा. क्यों? बिकॉज इट इज अ रूल कि जब 1 hour कंप्लीट होता है तो मिनट हैंड पूरा ये सर्कल कंप्लीट करके वापस 12 पर आता है, तभी आपका 1 hour कंप्लीट होता है. तो अभी जब शॉर्ट हैंड 1 पे था तब मिनट हैंड 12 पर था, फिर मिनट हैंड पूरा ऐसे 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 करके सर्कल घूम के वापस 12 पर आया, तब शॉर्ट हैंड किस पर आया? 2 पर. ये देख रहे हो आप शॉर्ट हैंड. अब कितने बजे? 2 o'clock. हाउ मच? 2 o'clock. और यहां पे 1 की जगह पे क्या आएगा? 2. समझ में आ रहा है? अब मैं ये पोर्शन समझाऊंगी कि ऐसे क्यों दीदी ने लिखा. दीदी तो 2 o'clock ऐसे बोल रहा है, व्हाई शी इज राइटिंग लाइक दिस. ये इसलिए लिख रही हूं बिकॉज जो हमारी एक क्लॉक होती है ये 2 टाइप्स की होती है. हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स. फर्स्ट इज एनालॉग,
A-N-A-L-A. Sorry. A-N-A-L-O-G. Analog clock. और सेकेंड होती है डिजिटल. कौन सी होती है? डिजिटल. अब ये जो आप क्लॉक देख रहे हो इसको एनालॉग क्लॉक बोलते हैं. जिसमें भी नंबर्स होते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड होता है, वो सारी क्लॉक्स एनालॉग होती है. और डिजिटल क्लॉक्स कैसी होती है? डिजिटल, जिसमें सपोज आप हाथ में पहनते हो वॉच, राइट? यू ऑल आर वेयरिंग वॉच. मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ. सी, दिस इज डिजिटल. इसमें आपको ये दिख रहा है कलरफुल, इसमें आपको नंबर्स दिखेंगे. देखो, टाइम आपको नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा आपको टाइम, इसमें नंबर्स दिखेंगे. तो जिस जो भी आपको क्लॉक जिसमें आपको नंबर्स दिखे वो डिजिटल क्लॉक होती है. कौन सी क्लॉक होती है? डिजिटल क्लॉक होती है. आप हाथ में जो पहनते हो रिस्ट वॉच, राइट, वो एनालॉग भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है. वैसे ही जो आप वॉल पर हैंग करते हो वो एनालॉग भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉक, एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक, राइट. अब एनालॉग क्लॉक में टाइम जब आप देखते हो तो आप ऐसे लिखते हो 2 o'clock, ठीक है. अब यही अगर मेरे पास एक सर्कल करके, दिस इज अ रफ थिंग, ऐसी एक क्लॉक है, उसमें टाइम ऐसे दिखा रहा है, उसमें 1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं है, टाइम ऐसे दिखा रहा है, तो ये क्या हुआ? डिजिटल. जिसमें आपको डिजिट्स दिखाई दे, डिजिटल का मीनिंग ही वही हुआ, जिसमें आपको डिजिट्स, डिजिट्स मींस नंबर्स, जिसमें आपको नंबर्स दिखाई दे ऐसे, उसको वो टाइम को आप डिजिटल क्लॉक बोलते हो. इसीलिए हम लोग एक ही आंसर 2 अलग तरीके से लिख सकते हैं, लाइक 2 o'clock ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 o'clock ऐसे भी लिख सकते हैं. बट रिमेम्बर, इसमें हमेशा 2 o'clock टू ऐसे दो डॉट्स एंड देन 2 0. सपोज 3 o'clock तो 3 dots एंड 2 0. 12 o'clock तो 12 2 dots एंड 2 0. ये इसका फॉर्मेट है, आपको ऐसे ही लिखना है. अगर आपने ऐसे लिखा 2 00 तो इट विल बी रॉन्ग. ये आपने लिखा 2 dot 0 देन ऑल्सो इट विल बी रॉन्ग. यहाँ आपने लिखा 2 dot 00 देन ऑल्सो इट विल बी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज सही फॉर्मेट ये है. दिस इज द राइट वे टू राइट द टाइम. समझ में आया? ये सही तरीका है टाइम लिखने का. सो चिल्ड्रन, ये हुआ एनालॉग क्लॉक, ये हुआ डिजिटल क्लॉक. मैंने आपको 2 types के हैंड्स दिखाए, जो शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड, मिनट हैंड, अवर हैंड, राइट, और 2 types की क्लॉक बताई आपको, एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक, राइट. चलो, नाउ ये मैंने किया 2 o'clock. अब जब मूव करके मिनट हैंड पूरा यहां से यहां, यहां से यहां मूव करके वापस 12 पर आएगा, तो ये 2 वाला जो है वो 2 से मूव करके 3 पर जाएगा, राइट. अब मैं इसको कैंसिल कर रही हूं, ठीक है. अब वापस जब 12 से लेकर मिनट हैंड पूरा ये एक राउंड, ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा, वापस 12 पर आएगा, तो ये शॉर्ट हैंड 3 से 4 पर जाएगा. बट याद रखना, शॉर्ट हैंड है तो शॉर्ट हैंड शॉर्ट ही रहेगा. फिर शॉर्ट को आप इतना बड़ा ऐसे कर दोगे तो इट विल बी रॉन्ग. ओके, रिमेम्बर, शॉर्ट हैंड हमेशा शॉर्ट होना चाहिए. अब ये 4 पर आया, तो जब ये 2 पर था तो कितने बजे थे? 2 o'clock, राइट. जब ये 3 पर आया तो कितने बजे थे? 3 o'clock. और अब जब ये 4 पर आया तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 4 o'clock. या फिर अगर मैं डिजिटली देखूं तो क्या लिखूंगी? अगर ऐसे हुआ तो क्या हुआ? 4 o'clock. यहाँ पे 2 की जगह पे इट विल बी अगेन 4, राइट. सिमिलरली 5 पर 5 o'clock, 6 पर 6 o'clock, 7 पर 7 o'clock,
8 पर 8 o'clock, 9 पर 9 o'clock, 10 पर 10 o'clock, 11 पे 11 o'clock and 12 पर 12 o'clock, right? But हमेशा याद रहना कि शॉर्ट हैंड जब एक नंबर से दूसरे नंबर के पर मूव करता है तभी 1 o'clock कंप्लीट होता है, सॉरी 1 आवर कंप्लीट होता है. 1 आवर कब कंप्लीट होगा? जब नंबर एक नंबर शॉर्ट हैंड पर जो है वो दूसरे नंबर पर मूव करेगा. और याद मेन थिंग जो इसमें याद रखनी है, तब लॉन्ग हैंड जिसको मिनट हैंड बोलते हैं वो 12 पर होना चाहिए. अगर लॉन्ग हैंड 11 पर है या 10 पर है तो आवर कंप्लीट नहीं हुआ. आवर कब कंप्लीट होगा? जब लॉन्ग हैंड 12 पर होगा और शॉर्ट हैंड कोई एक नंबर पर होगा. ठीक है, अब इससे एक और आपको चीज सीखनी है कि मिनट हैंड थोड़ा जल्दी मूव करता है और आवर हैंड को मूव करने में टाइम लगता है. इसीलिए मिनट हैंड अपनी जगह से 12 तक जल्दी पहुंचता है और आवर हैंड अपनी जगह से दूसरी जगह में जाने में टाइम लगाता है. दिस इज अ रूल कि मिनट हैंड इज फास्टर देन आवर हैंड, द स्लोअर इज आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इज द फास्टर वन. स्लो कौन सा है? आवर हैंड. मिनट हैंड इज फास्टर, राइट? नाउ लेट मी शो यू द सेम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक. जो मैंने बोर्ड पर दिखाया अब यही चीज आपको प्रैक्टिकली क्लॉक पर दिखाऊंगी. ठीक है, चलो राइट नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. अगर मैं बोलूं कि मिनट हैंड में 12 पर रखती हूं और आवर हैंड भी 12 पर रखती हूं तो कितने बजे? थिंक. सी, मिनट हैंड इज ऑन 12 एंड आवर हैंड इज ऑल्सो ऑन 12, दोनों 12 पर है तो कितने बजे? मैंने बोला था मिनट हैंड 12 पर होना चाहिए और जिस पर भी आवर हैंड है उतने बजे हैं. तो अभी आवर हैंड किस पे दिख रहा है आपको? 12 पर. और मिनट हैंड भी ऑलरेडी 12 पर ही है तो कितने बजे? 12 o'clock. कितने? 12 o'clock, राइट? कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों 12 पर है तो क्या टाइम हुआ. इट मीन्स इट इज 12 o'clock, राइट? नाउ देखो, आप मिनट हैंड देख रहे हो फास्ट मूव करता है. सी, जैसे जैसे मिनट हैंड मूव करता है आवर हैंड उसके कंपेयर में धीरे धीरे मिनट मूव करता है. सी, अब जब मिनट हैंड 12 पर पहुंच गया वापस एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके, तो अब कितना टाइम हुआ है? यस, शॉर्ट हैंड ऑन 1, लॉन्ग हैंड ऑन 12, सो इट इज 1 o'clock. वेरी गुड. सिमिलरली अभी वापस मिनट हैंड मूव करना स्टार्ट कर रहा है. ओके, अब ये 2 पर पहुंच गया. सी, शॉर्ट हैंड 2 पर पहुंच गया और मिनट हैंड वापस 12 पर पहुंच गया तो क्या टाइम हुआ है? इट इज 2 o'clock. यस, अगेन मिनट हैंड इज मूविंग फास्ट. ये स्पीड में मूव कर रहा है मिनट हैंड. तो अब मिनट हैंड धीरे धीरे करके वापस 12 पर आया एंड आवर हैंड किस पर चला गया? अभी 3 पर. सो व्हाट इट इज? 3 o'clock, राइट? नाउ सिमिलरली आई विल शो यू. ओके, चलो अब मिनट हैंड आ रहा है वापस 12 पर. ओके, और शॉर्ट हैंड 6 पर है तो अभी क्या टाइम हुआ है? अभी ये देखकर कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, पर उसमें से आपको देखना है कि लॉन्ग एंड कहाँ पे है. ये लॉन्ग एंड 12 पर है. शॉर्ट हैंड कहाँ पर है? इट इज ऑन 6. सो व्हाट टाइम इट इज? 6 o'clock, राइट? सो जब ऐसे हो इट इज 6 o'clock. देन अगेन मूविंग. ओके, यस, नाउ द आवर हैंड इज ऑन 9 एंड द मिनट हैंड इज ऑन 12. तो अभी कितने बजे हैं? यस, इट इज 9 o'clock. वेरी गुड चिल्ड्रन, आपको तो टाइम देखना आ गया. क्लैप फॉर योरसेल्फ. नाउ अगेन सी, द मिनट हैंड इज एट 12 एंड द आवर हैंड किस पर है? अभी मिनट हैंड देखो 12 पर है. आवर हैंड किस पर है? यस, इट इज ऑन 11. सो व्हाट टाइम इट इज? इट इज 11 o'clock, राइट? सी, सो इजी.
सो अब तो आपको टाइम देखना भी आ गया, वाओ वेरी गुड। तो आपने देखा कि जब मिनट हैंड एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर वापस अपनी जगह पे आता है तो 1 आवर कंप्लीट होता है, और तब अगर शॉर्ट हैंड 1 पर हो तो कंप्लीट करके आएगा, तब शॉर्ट हैंड 2 पे आ जाएगा। और अगेन इसमें सब ऐसे ही जाता है, इस पोजीशन में आप ऐसे नहीं जा सकते, क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये पोजीशन जो मैं बोल रही हूँ 1 के बाद 2, 3, 4 शॉर्ट हैंड 1, 2, 3, 4 ऐसे ही जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता कि शॉर्ट हैंड 1 पर है फिर वो 12 पे जाएगा 11 पे, नो क्लॉक में ये नहीं होता, वो ऐसे ही जाएगा। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, कैसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ओके सो 12 से जो भी नंबर पर सॉरी 12 पर मिनट हैंड हो और आवर हैंड जिस नंबर पे हो इसका मतलब उतना टाइम हुआ है, समझे। 4 पर हो तो 4 o'clock, 8 पर हो तो 8 o'clock, 10 पर हो तो 10 o'clock। और कैसे लिखेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे, और इसमें भी याद रखो ये 4 थोड़ा दूर लिखना है, अभी आप मेरा देखो तो आपको ऐसा लगेगा 40 लिखा है, राइट। सो दिस इज नॉट प्रॉपर, आप कैसे लिखोगे, 4 थोड़ा दूर रखोगे एंड देन यू विल राइट o'clock। ओके सो दिस इज 4 o'clock और यू कैन राइट 4 o'clock, राइट, दिस बोथ वी आर परफेक्ट। ओके अब चिल्ड्रन एक और आपको मैं अपने हिसाब से एक नॉलेज पास करना चाहूंगी कि जब भी 12 से लेकर ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो ये जो कंप्लीट हुआ पूरा सर्कल उसको बोलते हैं 60 मिनट्स। ये जो पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ ना, 12 एक बार गया और वापस 12 पर आया, तो ये पूरा जो एक सर्कल कंप्लीट हुआ वो कितने मिनट्स का कंप्लीट हुआ, 60 मिनट्स का। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इम्पोर्टेंट नोट, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। जब 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे तो ही 1 आवर कंप्लीट हुआ होगा। मैं एग्जाम में ऐसे पूछ सकती हूँ 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स, तो आप क्या लिखोगे, 1 आवर, राइट। सो चिल्ड्रन दिस इज द वे यू लर्न टाइम एंड यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड टाइम, आपको टाइम कैसे रीड करते हैं वो आपको इसके ऊपर से पता चला। ओके टाइम, नाउ इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क, इसके ऊपर से मैं आपको कुछ होमवर्क तो दे सकती हूँ, राइट। सो द होमवर्क फॉर द डे इज पेज नंबर 143, उसमें आपको अलग अलग इवेंट्स दिए गए हैं पूरे डे के, कि आप कब उठते हो, कब ब्रश करते हो, तो आपको वो क्या करना है, उसमें आपको नंबर अरेंज करना है कि कौन से टाइम पर आप क्या चीजें करते हो। सबसे पहले क्या करते हो, मॉर्निंग में यू वेकअप, उठते हो, फिर आप ब्रशिंग करते हो तो वेकअप को क्या हुआ, 1 नंबर, फिर आप ब्रश करते हो तो 2 नंबर, फिर आप बाथ लेते हो तो उसको 3 नंबर। ओके ऐसे पूरे सीक्वेंस में आपको उसमें नंबर्स लिखने हैं कि आप कौन से टाइम पर क्या चीज करते हो। ओके सो होमवर्क इज पेज नंबर 143 एंड पेज नंबर 144। उसमें क्या है, 144 पेज में आपको मैच द क्लॉक है, क्लॉक्स के अलग अलग टाइम दिए गए हैं जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर दिखाए, क्लॉक्स कैसे फॉर्म करते हैं, राइट, टाइम कैसे फॉर्म होता है अलग अलग। सपोज 5 o'clock दिया है, फिर यहाँ पे मैच एविडी में अलग अलग क्लॉक्स ड्रॉ की हुई है, उसमें से आपको मैच करना है कि 5 o'clock क्या है एग्जैक्टली, ताकि आपको पता चले कि आपको टाइम एग्जैक्टली देखने आ गया या नहीं। ओके सो एक वो होमवर्क है, और उसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन है जिसमें टाइम ऑलरेडी दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या टाइम हुआ है। सपोज ऐसे दिया गया हो, ऐसे आपको क्लॉक ड्रॉ की दी गई होगी, तो आप क्या बोलोगे, ये कितना बजा है, 4 o'clock, तो आपको ऐसे भी लिखना है 4 o'clock और ऐसे भी लिखना है। ओके सो दीज आर 2 questions लिख रही हूं मैं यहाँ पे, 2 questions पेज नंबर 143 एंड 144, और किस में करोगे, इन
text book. Okay, in which book are you going to solve? In textbook. Okay, I hope children you understood today's lecture and you even enjoyed it. और घर पर भी आप पूरा दिन टाइम देखते रहना और टाइम लर्न करना. ओके चिल्ड्रन, सो हैव फन एंड डू कंप्लीट योर वर्क. विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.